डुसु चुनाव के लिए छात्र संगठन तैयार, राजनीति की पहली पाठशाला, चुनाव तिथि की घोषणा नहीं, छात्र संगठनों की गतिविधियां तेज है। राजनीति की पहली पाठशाला कहे जाने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए कैंपस का माहौल चुनावी रंग में रंगना शुरू हो गया है। दोस्तों, 3 साल बाद होने जा रहे डुसु चुनाव में ताल ठोकने के लिए छात्र संगठनों ने कमर कस ली है। छात्र संघ चुनाव की तारीखें अब तक घोषित नहीं हुई है, लेकिन छात्र संगठनों ने चुनाव को लेकर कवायद शुरू कर दी है। अगले सप्ताह से संगठन नए छात्रों को साधने के लिए सदस्यता अभियान शुरू करने जा रहे हैं। नए छात्रों के बीच जाकर उनका जोर संगठन की उपलब्धियां बताने पर होगा। राष्ट्रीय राजनीति की प्राथमिक पाठशाला कहे जाने वाले इन चुनावों से निकलकर कई नेताओं ने राष्ट्रीय राजनीति में मुकाम हासिल किया है। इन चुनाव का महत्व इसलिए भी इस बार बढ़ा हुआ है क्योंकि कोरोना महामारी के कारण वर्ष 2020-21-22-23 में चुनाव नहीं हो पाए। 3 साल बाद होने जा रहे चुनाव के लिए संगठन जोर शोर से तैयारियां कर रहा है। कैंपस की वॉल ऑफ डेमोक्रेसी पोस्टर चिपकाने वाली दीवार पूरी तरह से पोस्टरों से भरी पड़ी है। डुसु चुनाव को लेकर अब तक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। छात्रों को साधने में जुटे संगठनों के नेता चुनाव तिथियों की घोषणा होने से पहले ही छात्र संगठनों ने गतिविधियों को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावी समर में मुख्य रूप से 2 प्रतिद्वंदी ABVP व NSUI ही है। ABVP के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक आशुतोष ने बताया है कि हमने अभी संगठन आधारित गतिविधियां शुरू की हैं। कॉलेज की यूनिट के माध्यम से नए छात्रों के संपर्क साध रहे हैं। सोमवार 21 अगस्त से डुसु इन कैंपस अभियान शुरू करने जा रहे हैं।